आपका मानना होगा। जो लोग कहते हैं जात कुछ नहीं होती, जात के लिए जात ना मानने वालों की जात आती है, जात ना मानने वालों की भी एक जात आती है। ये तो सब अच्छी कहने सुनना अच्छा लगता है कि चलो भी ठीक है। हमारा इतिहास अभी अकबर अजय सिंह जी ने बताया, हमारे मान्य श्री सुशवंत सिंह जी ने, हमारे प्रेरणा स्रोत मान्य श्री सीपी सिंह जी बैठे हुए हैं, हमारे ब्रजमोहन सिंह जी सुदेशपुर से, जिनका परिवार इस इतिहास को आगे बढ़ाने में लगा रहा, और भी हमारे यहाँ अनेकों मेरे भाई हैं। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। रघुवंशम में महाकवि कालिदास जी लिखते हैं, महाकाव्य रघुवंशम है, महाकवि कालिदास जी कहते हैं कि दक्षिणी भाग को कलिंगा, उत्तरी भाग को उत्कल और समग्र भाग को ओढ़ कहा जाता था। जैसे राजा ओढ़ महाराज ओढ़ महाराज ओढ़ वंशी महाराज जैसे बड़ी पुत्री प्रभावती जिसकी शादी मत्स्य देश के राजा सत्यमल मांडे के लिए हुई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रघुवंशम कह रहा है, जिन्होंने दहेज में ओढ़वाड़ी नामक प्रदेश को दान में दिया। उसी वंश को आगे बढ़ाते हुए तेईसवीं पीढ़ी में, ये भी रघुवंशम ने लिखा हुआ है, उसी तेईसवीं पीढ़ी में महाराजा अर्जुन पैदा हुए, जिन्होंने तिब्बतवाड़ी नामक प्रदेश का चलन किया। जात छोटी है, जात छोटी है, हम छोटे हैं, हमारी सोच छोटी है। उस अगर किसी जात को खत्म करना हो, किसी भी जाति को मिटाना हो, उस जाति का क्या काम कर दीजिए, अपने बच्चों को रास्ते पे दूर न होने दीजिए, देखो आपके बच्चे क्या कर पाएंगे किसी को। तो मेरे भाइयों को कम समय है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग भी बोलने वाले हैं, बस मैं तो ये कह रहा हूं तुम उठो कुछ करो, तुम उठो कुछ करो, अपने समाज के लिए मौत से जागो, अपने समाज के लिए। छोटा मैं बड़ा किसमें ना बहाऊंगा, तू छोटा मैं बड़ा किसमें ना बहाऊंगा, कुछ तो कहो अपने समाज के लिए, कुछ तो फूलो को अपने समाज के लिए। बहन से भी रानी देवी से भी से ऐसी खड़ी हुई है, ठीक है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपने वोट वोट, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ अपने वोट वोट, लेकिन वोट देने से मैंने एक बार जरूर सोचे कि अपनी बहन बेटी, अपनी बहन अपनी बेटी, मतलब सरेंडर ना कर पाए। अगर आप हारोगी तो इस तरीके से हारा, मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, ठीक है जी, जय है। और दो शब्द मेरी बहन है रानी देवी जी बोलेंगी, और अगर मेरा कुछ कहने में त्रुटि रही होगी, इतिहास तो बहुत बड़े हैं, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ।